इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। कुरुक्षेत्र में हुए इस भयानक नरसंहार के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने श्री कृष्ण की जिंदगी बदल दी थी। उन्हें एक शाप मिला था जिसके 36 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की मां गांधारी दुख और गुस्से से विलाप कर रही थी। इसी दौरान कृष्ण उनसे मिलने गए। गांधारी उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई। उन्होंने शाप दे दिया कि तेरे वंश का भी नाश ऐसे ही होगा, एक दूसरे को मारकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारका लौट आए। कुछ समय बाद किसी विवाद को लेकर उनके वंशजों ने अत्यधिक मदिरा पान का सेवन किया जिसके बाद वे एक दूसरे पर टूट पड़े। इससे संहार ने विकराल रूप लिया और सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। दुखी मन से श्री कृष्ण सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। यहाँ एक रोज वह ध्यान मग्न थी कि इसी दौरान उन्हें पैरों पर एक विषैला तीर लगा। दरअसल जड़ा नाम की एक बहेलिया ने उन्हें हिरण समझ लिया था। भूलवश वे तीर का शिकार हुई, फिर उन्होंने अपने देह वहीं छोड़ दी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।